बीते दिन आया अभिषेक मल्हन का एक इंटरव्यू और इंटरव्यू की एक क्लिपिंग में ये सीधे तौर पर खुलासा हो जाता है कि आखिर मनीषा कितने मायने रखती हैं अभिषेक के लिए। और ये जवाब मिलता है उन लोगों को जो अभिषेक पर सवाल उठा रहे थे कि भाई एल्विश था बिग बॉस रियूनियन पार्टी में तो इसलिए अभिषेक आया ही नहीं, क्या हमें उस शख्स का नाम लेने की जरूरत है? शायद नहीं, आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वेल, अभिषेक ने यहाँ ये खुलासा कर दिया है कि बिग बॉस रियूनियन पार्टी में वो कुछ रीजन से नहीं आ पाए। पहला, उनका नेटफ्लिक्स का शूट चल रहा था। दूसरा, उनका टोनी कक्कड़ के साथ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि नेक्स्ट डे ही उन्हें वापस दिल्ली के लिए ट्रैवल करना था। वहीं थर्ड रीजन, अगर उनके दोस्त उस पार्टी में होते तो वो पार्टी में जरूर चले जाते। एल्विश के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि एल्विश के यानी कि अभिषेक के हिसाब से एल्विश बाहर इंटरनेशनल टूर पे थे, वो ट्रैवल कर रहे थे दुबई में उस वक्त, तो अभिषेक को ये पता ही नहीं था कि एल्विश आएगा या नहीं आएगा। बात रही मनीषा रानी की, मनीषा से हुई अभिषेक की पर्सनल बात, उन्होंने मनीषा का नाम नहीं लिया और ये कह दिया कि जब वो मेरी दोस्त ही नहीं जा रही थी, उसने कह दिया कि वो नहीं जाएगी पार्टी में, तो मैं किसके लिए जाता? मेरा कोई दोस्त होता वहां पर तो मैं जरूर चला जाता, एल्विश का मुझे पता होता तब भी मैं चला जाता, लेकिन जब मेरी दोस्त ने ही कह दिया कि वो नहीं जा रही तो मुझे भी जाना सही नहीं लगा और मुझे ये लगा कि मेरा जो जरूरी काम है वो निपटा लूं। वेल, जो बेबिका ने उसका नाम नहीं लेना था, कोई बात नहीं बेबिका ने जो कहा था कि अभिषेक इसलिए नहीं आया कि एल्विश पार्टी में आ रहा है, तो वो सरासर झूठ था और उनकी अपनी ही कहानी चल रही थी अभिषेक को बदनाम करने की, जिसमें वो फ्लॉप होती हुई नजर आई। इस पे आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाए।